नमस्कार दोस्तों। तो ये आप लोगों को इलेक्ट्रिक हेयर क्लिपर दिख रहा होगा। इस तरीके से मैंने वीडियो डाल रखा है। 600-700 रुपये के लगभग आया था ये। RF666 इसका मॉडल नंबर है, RF666 ये आया था। तो इसमें क्या है कि मैं बताने वाला हूँ कि आप इसमें इसके ब्लेड में कैसे धार लगा सकते हैं, यानी कि इसको कैसे नया कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा ये आया था वैसा इसको बना सकते हैं। अभी हो सकता है आपका ये सही से चल ना रहा हो, बाल को पकड़ता होगा, ये इसमें जो है धार लगा देंगे तो बहुत बढ़िया चलता है। मैंने पहले वाला वीडियो जो बनाया था, उस पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था इसमें धार कैसे लगाते हैं। धार लगाने के बाद में आपके बाल को पकड़ नहीं रहा होगा, लेकिन ये चल नहीं रहा होगा सही से, है ना, इसमें लोड पड़ रहा होगा। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, आइए हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले बड़ा आसान होता है इसको खोलना और जो है इसमें धार लगाना। इसमें आपको केवल और केवल क्या करना है कि 10 रुपये का एक रेग माल आता है, ये इस तरीके से होता है। और ये साइकिल वाइकिल की जो पिंचर वगैरह बनाते हैं उन लोगों के पास रहता था पहले, अभी ये आप हार्डवेयर की दुकान पर जाएंगे तो मिल जाता है ये रेग माल। इसमें क्या होता है, ये आपका कागज़ होता है और ये इसमें पत्थर का जो ये पत्थर है और पत्थर का इसमें जो है चिपकाया हुआ रहता है, इस तरीके से इसको रेग माल बोलते हैं। जैसे मान के चलो लोहा वगैरह कोई चीज़ होती है तो लोहे की चीज़ पे इसको रगड़ते हैं और उससे जंग वगैरह उसकी पहले ख़त्म करते हैं और उसके बाद उसमें पेंटिंग वगैरह करते हैं, ये इस काम में आता है। तो आपको हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगा, इसको ले आना है। और इसको लाने के बाद में आपको करना क्या है, अपनी मशीन को इसको खोल लेना है। ये देखिए इस तरीके से खुल जाएगी। खुल जाने के बाद देखिए दो ब्लेड आपके निकलेंगे, ये इस तरीके से आपके ये दो ब्लेड जो हैं ये निकलेंगे। अब इनमें धार कैसे लगानी होती है मैंने बताया था वीडियोस में पहले वाले में। और कुछ लोमड़ी होती है ना जो वीडियो में आ जाती हैं, बोल रही थी कि मेरे इसमें धार खराब हो जाएगी, ब्लेड खराब हो जाएगा। अपना अपना ज्ञान, मतलब फ्री का ज्ञान, तो वो अपना अपना दे रहे थे कि वो सही नहीं, खराब हो जाता, कहीं कुछ हो जाता है। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया है कि मेरा ठीक हो गया, नया हो गया। मैंने इसमें धार लगाई हुई थी पहले से, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से क्या करना है, इसको धार में कैसे लगाना होता है, इसको ऐसे पकड़ लेना है। और इसके बाद में ये जो आपका रहेगा, ये जिस तरफ ये आपका पत्थर लगा हुआ है, इसको इस तरीके से रगड़ना होता है इस पर। तो इस तरीके से देखिए इसको ऐसे पकड़ लेना है। सपोर्ट के लिए आप इस तरीके से बैठ सकते हैं, जिससे आपका जो हिले ना, इसको हाथ से ही पकड़ना होगा आपको। हाथ से नहीं पकड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। और इसको क्या करना है, इसको इस तरीके से करना है, इसको ऐसे लंबा पकड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे पकड़ लेना है इसको, ठीक है। ऐसा पकड़ेंगे इतने से ही आपका, ऐसा पकड़ेंगे तो इतने से ही आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, मैंने इसको पकड़ के मोड़ दिया था, इसमें टेढ़ा मेढ़ा हो गया नहीं, आपको बढ़िया सीधा मिलेगा ये आपको, ठीक है। जो सीधा हो उसी को लेना है, इसको मोड़ना नहीं है। लाते वक्त इसको ऐसे मोड़ना नहीं है, आपको जैसे सीधा काट के देगा वो तो ऐसे ही लेके आना होता है, ठीक है। इसको मैंने कई बार यूज़ किया हुआ है, इस वजह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। इसको ऐसे पकड़ना होता है, जितना लंबा पकड़ सको आप ऐसे इस तरीके से। और इसको जो ये पत्थर वाला जो लगा हुआ है, इसको इसी तरफ करना है, ठीक है। पहले इसी तरफ रखेंगे जिससे ये इस तरफ ब्लेड के इस तरफ में धार लग जाए, देखिए इस तरीके से। और इसको करना क्या है, ऐसे नहीं करना है, जैसे ब्लेड है ब्लेड में ऐसे घुसड़ना नहीं, ऐसे नहीं डालना है इसमें, ऐसे इसमें नहीं करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है ना। नहीं, ब्लेड में इस तरीके से करना है, इस तरीके से ब्लेड में इस तरीके से नहीं लगाना, ऐसे लगाना होता है, केवल ऐसे रगड़ना के लिए है। ये देखिए इस तरीके से, तो इसको रख के कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसको सपोर्ट दे रखा है हाथ को इधर पे, और इसको ऐसे करके, और मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये मैं इस तरीके से करूँगा, और ये मेरा जो पत्थर है ये इस तरफ रहेगा, हर एक खांचे मुझे इस तरीके से करना है, केवल लंबा सा करेंगे इतने में धार लग जाता है। इसे देखिए इस तरीके से मुझे करना है, सब में मुझे ध्यान में रखना है कि किस में मैंने चला रखा है, ऐसे मुझे कर लेना है सब में। इसको कोने में भी लगाना होता है, ठीक है ना। तो हर जगह करना होता है इधर पे।
अब इसको करना क्या है आपको, ये तो ऐसे ही पकड़ रखना है, इस वाले कागज को अब ऐसे मोड़ लेना है, ठीक है ना। यानी कि अब ये जो है ना पत्थर अब इस तरफ रहेगा, तो इसको ऐसे फिर से वही करेंगे तो अब जो है ब्लेड के इस तरफ धार लग जाएगी आपकी। मैं फिर से बता दूंगा आपको, ब्लेड में ऐसे धार नहीं लगाना है, इस तरीके से लगाना होता है, ठीक है ना। यानी कि ये पैरल रहेगा, ये आपका ये ऐसे समांतर रहेगा जमीन के, और ऐसे लगाना होता है इसको, जिससे आसानी से आप चला पाओगे। कुछ लोग हो सकता है ऐसा लगा रहे हैं, वैसे नहीं लगानी है, इस तरीके से लगाना होता है। तो ऐसे जो करेंगे पूरे में जो है ऐसे आपको करना होता है, जिससे आप में आपके हर एक ब्लेड में बढ़िया सी धार लग जाएगी, यानी नया जैसा बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे ऐसे ही। ये देखिए आपका धार इसमें लग चुका है, बस इतने में ही हो जाएगा आपका काम, ज़्यादा नहीं करना है। और ये सबसे किनारे वाले में इसमें भी कर देंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका, ऐसे ही आपको इसमें करना है। ये तो छोटा वाला ब्लेड था, ऐसे ही आपको बड़े वाले ब्लेड में करना है। ब्लेड में पहले मैं इस तरफ को पत्थर करके और लगा लेता हूँ, तो देखिए मैं पहले इसमें कर लेता हूँ इस तरीके से। तो इसमें ऐसे नहीं करना है, ध्यान नहीं रखना है कि ऐसे भी नहीं लगाना, इस तरीके से लगाना होता है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये अंदर इसमें चला जाता है, इस खांचे में फंस जाता है, ये जाके देखो फंस गया इस तरीके से। नया लाएंगे तो हो सकता है ना फंस रहा हो, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप करेंगे एक दो बार, या पत्थर पहले रगड़ लेंगे इस तरीके से, तो ये पत्थर जो है आपका किसी दूसरे पत्थर पर ऐसे रगड़ लेंगे आराम से, तो फिर ये जो है आपका पत्थर कुछ घिस जाएगा, तो फिर आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके पूरे में धार लग जाएगी। मैंने लगा ली धार, हर एक में मैं लगा चुका हूँ पहले से ही, मैंने कल लगाई थी ये, तो मुझे ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से आप सब में कर लेंगे, पहले इस तरीके से करेंगे, फिर इसको पलट लेंगे और इस तरीके से इसमें करेंगे, ठीक है ना, जिससे सब पूरे में लग जाएगी धार, है ना। जब पूरे में लग जाएगी धार, तो धार लगाने के बाद में देखो मेरा लग जाएगा, जब इसमें धार लग जाएगी तो इसको ऐसे आप उंगली से करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें धार लग चुकी है, ठीक है। अब इसको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको देखो उसमें जो आपका मशीन था उसमें ऐसे तेल का आया होगा, ये डिब्बी तेल का, तो तेल का जो ये आया है तेल डालने वाला जो बॉक्स है, इसमें क्या करेंगे तेल भर लेंगे। मशीन वाला तेल आता है, जो सिलाई मशीन का तेल होता है, 5 रुपये 10 रुपये मिल जाता है आपको पाउच, वो आपको मंगा लेना है, इसमें भर लेना है, वही तेल डाला जाता है जो मशीन वाला होता है सिलाई मशीन का। तो आपको करना क्या है, जब ये मशीन ये जो ब्लेड होता है एक दूसरे के ऊपर ऐसे चलते हैं ये, तो अगर आपने धार लगा ली फिर भी अगर आपका जो मशीन है वो फंस रहा है, बाल नहीं पकड़ रहा, लेकिन जो है अगर मोटे बाल आते हैं तो चल नहीं रहा होता है, तो उसका कारण ये होता है कि लोड पड़ रहा होता है। तो लोड क्यों पड़ रहा होता है, क्यों आपने जो है तेल ब्लेड में इसमें दांतों में तो तेल डाल दिया होगा, है ना। यदि आपने दांतों में भी नहीं तेल डाला तो और आपका लोड पड़ेगा, मशीन सही से नहीं चलेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इधर ये यहाँ रगड़ता है ना एक दूसरे पे ब्लेड, एक दूसरे पे ब्लेड यहाँ पे रगड़ चलता है, तो यहाँ पे आपको जरूर तेल डाल लेना है, ठीक है ना, जिससे इधर एक दूसरे के ऊपर रगड़ेगा तो कोई समस्या नहीं होगी। अब बाद में चलाएंगे तो इसमें ब्लेड में तेल डाल लेंगे, या ब्लेड में भी तेल अभी डाल देंगे, कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से आप ब्लेड में भी तेल डाल लेंगे और जो है इधर भी तेल डाल देंगे, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब इसको करना क्या होता है, जो खांचा जो है ये गड्ढा टाइप में है, इसको इसमें फंसा देना है केवल, और ये जो बाल वाल वगैरह है इसको आप कंघी होगी इसमें, ये देखिए इसमें ये ब्रश है, इससे इसको साफ कर लेना होता है। तो देखिए हमने इसको साफ कर लिया है, और इस तरीके से इसको साफ करके इसमें फंसा देना है, जो गड्ढा जो है इसको गड्ढे को इसमें फंसाना है केवल। और ये देखिए मैंने फंसा दिया गड्ढे को, और इसको ऐसे ब्लेड को रख के और इस तरीके से। और सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो नट बोल्ट है, ये जो नट है इनको बहुत तेज नहीं टाइट करना है, पहले इनको आराम आराम से ऐसे, बहुत अभी टाइट नहीं करेंगे हम, केवल थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। अब इसको कैसे टाइट करना होता है, ये देखना होता है कि मेरा जो ब्लेड है ये एकदम ये बराबर रहना चाहिए, जितने पे इधर रहेगा उतने पे इधर रहना चाहिए, देखिए ये दोनों बराबर रहेगा। अब ये ठीक है हमारा, अब इसको टाइट कर लेंगे, देखते रहना है कि ये जो है पता चले कि ये वाला ब्लेड इधर निकल आए और वो वाला अंदर घुस जाए, तो ऐसा नहीं होना, दोनों ब्लेड बराबर रहने चाहिए। अब ठीक है, अब मुझे जो है इसको अब टाइट कर लेना है आराम से, जितने पे है इतने पे इसको टाइट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए मेरे ब्लेड जो है बिल्कुल दोनों तरफ बराबर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना होता, अभी चाहे तो इसको और ज़्यादा टाइट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्का, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना होता, जितने पे आराम से हो जाए, क्योंकि अब खोलना भी पड़ता है बार बार, तो बस इतने पे ही करके इसको कर देंगे। और फिर जो है आप इसको इसको आगे करके जितना चाहें इसको आगे पीछे, ये जो आपका होता है आपको पता ही होगा, इसको पीछे कर लेंगे तो फिक्स हो जाएगा, फिर ये आगे पीछे नहीं होता है। पहले इसको आगे करते हैं, फिर ये जो आपका दिया हुआ है इसको दबाएंगे
तो इससे जितने चाहें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अगर आपने टाइट कर लिया होगा फिर भी अब इसको चाहेंगे ना तो इधर ऐसे करेंगे तो घूम जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एकदम बढ़िया रहना चाहिए आपका ये। और इसको जितने चाहे मान के लो हमें इतने पे करना है, इतने भर के अगर आज इसको आगे कर देंगे पीछे कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा इतने पे। इतने पे क्या ये किस वजह से होता है, क्यों करना होता है, जैसे आपको बालों को बड़ा बड़ा काटना होता है तो आप जो है इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं, जिससे आपके बाल बड़े बड़े कट जाएंगे। फिर आप जो है इस तरीके से करेंगे तो आपके बाल जो है बड़े बड़े कटेंगे। अगर आपको और आगे कर देना है और आगे कर देंगे बिल्कुल इधर चिपका देंगे तो आपके बाल बहुत महीन काटेगा। फिर आपके ये बाल देखो ये एक दांत एक दूसरे के ऊपर पास में ही आ गए। अब इसको काटेंगे ना इस तरीके से तो बिल्कुल पास पास के नहीं, बहुत महीन बाल को काटेगा ये, बहुत बारीकी से बालों को काट देगा। तो ये होता है। और मैंने वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आपको तेल को इधर तो डालना ही डालना है, सब ये तेल जो है आपको इसमें तो डालना ही डालना है बाल काटने से पहले। और आपको तेल कहाँ डालना है इधर से अगर करेंगे तो ये दिखाई दे जाएगा, इसमें इधर भी तेल डालना होता है, ठीक है। खोल के डाल देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर तेल डालेंगे और धार बताई दिया लगाना हमने, बिल्कुल आपकी नई की नई मशीन हो जाएगी और हमेशा के लिए चलेगी आपकी, कभी ख़राब ही नहीं होनी है। इसको आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई दुकान है इसमें आप कटिंग वटिंग करते हैं तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है, आप कर सकते हैं बड़े आसानी से, कभी ख़राब ही नहीं होनी, कोई दूसरी मशीन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर से मैं बोलूँ जो लोमड़ी है जो भौंकने वाले हैं ना कि ये ख़राब हो जाएगा ब्लेड ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक बार पहले करके देखो यार, उसके बाद बकवास करो जो भी करना है, ठीक है ना। और हजम नहीं होता तो मत आओ मेरे चैनल मत देखो आके, लेकिन बकवास ऐसी फालतू मत किया करो जब तक किसी चीज़ को प्रैक्टिकल ना किया करो, है ना। मेरे इसमें चैनल पे कोई फर्जी वीडियो फेक नहीं आता है, मैं चाहूँ तो रोज कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वीडियो डाल दूँ लेकिन मैं नहीं डालता हूँ, है ना। जिन लोगों को अच्छा लगा वीडियो लाइक करेंगे और जिन लोगों को बकवास करना हो भाग जाए चैनल से। ओके।